नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आगे देख लीजिए, 12 मई से विधायकों का आवास घेरने का ऐलान, बिहार में लाइवन बहाली बहुत जल्द होगी। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं। जो कि देख लीजिए, विधायकों के द्वारा 12 मई से देख लीजिए CM आवास को घेरने का ऐलान किया गया है, जिसमें बिहार लाइवन के भी छात्र है। तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। आंदोलन का ऐलान किया है। पटना के IMA हॉल में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने महासम्मेलन कर नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई। महासम्मेलन का नेतृत्व सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ खुद कर रहे हैं और इसके साथ लेफ्ट के विधायक महबूब आलम भी मौजूद रहे, जहां नियोजित शिक्षक पहले किए गए वादे के तहत राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और CM नीतीश और मुख्य सचिव को भी फिर से परीक्षा में बैठने की चुनौती दी है। महासम्मेलन का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में लगातार शिक्षक एकजुट हो रहे हैं और आज राजधानी पटना के IMA हॉल में शिक्षकों ने महासम्मेलन का आयोजन किया है और साथ मिल रहा है भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ और महबूब आलम का। तो इस वक्त देख सकते हैं IMA हॉल में जो तस्वीर है, राज्य भर के जो नियोजित टीचर हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर जुट गए हैं और एक तरह से कहिए कि सरकार के खिलाफ सभी ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक भी हैं संदीप सौरभ, ये बताइए कि बड़ी संख्या में यहाँ टीचर एकजुट हुए हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं आप? देखिए, हमने तो सरकार को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है वो उसमें कोई इसका सरपैर नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि हम शिक्षकों के भीतर क्वालिटी का ये कर रहे हैं, स्कूल में हमें क्वालिटी चाहिए। हम मान रहे हैं कि स्कूल में अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो उसके रास्ते हमने बताए हैं सरकार को कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब जो 4 लाख पहले के नियोजित शिक्षक हैं उनकी परीक्षा लेकर के अगर आपको लगता है क्वालिटी आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। 4 लाख शिक्षकों में जो फेल करें वो भी, जो पास करें वो भी, ये तो उसी सब्जेक्ट को उसी विद्यालय में उसी सिलेबस को पढ़ाते रहेंगे, तो इनमें तो कोई बदलाव नहीं होना है। सरकार के साथ है आप, क्या लग रहा है ये जो आंदोलन की आप रणनीति बना रहे हैं तो इसका कुछ एक्शन भी होगा? निश्चित तौर से इसमें हम लोग आगे का प्लान ले रहे हैं और हमने सरकार को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। अब अगर सरकार नहीं मानती है तो 12-13 तारीख को हम लोग 12-13-14 3 दिन हम लोग बिहार के सभी विधायकों का आवास पे जाकर के शिक्षक उनको ज्ञापन देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे लिखित में बात लेंगे कि आपका क्या पोजीशन इस पर है। क्या लग रहा है कि अब सरकार मान जाएगी? मानना ही पड़ेगा, सरकार के घटक दल के जब विधायक हमारे संरक्षक हैं और पूरे 12 विधायक हम लोगों के साथ हैं तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो लोकतांत्रिक ढंग से आज बुद्ध पूर्णिमा है तो शांतिप्रिय ढंग से सरकार को जितना हो सकता है हम लोग झकझोरने का काम करेंगे और हम ही लोग का चलते राजद को विशेषकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी तो फिर मिट्टी में मिलाने का काम ये शिक्षक करेंगे। सरकार बैकफुट पर आएगी? एकदम बैकफुट पर आना है। सारे शिक्षकों में सभी शिक्षक यूनाइट हो गए हैं और परीक्षा के नाम पर हम लोग को डरा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से परीक्षा दे और प्रधान सचिव जी हमारे साथ परीक्षा पर बैठे, उस शर्त पर हम लोग परीक्षा शर्त रख रहे हैं। हाँ, शर्त रख रहे हैं। बैठे परीक्षा में मुख्य सचिव और हम और माननीय मुख्यमंत्री जी परीक्षा दें। हाँ, इंजीनियरिंग का परीक्षा दिए, फिर से वो परीक्षा दें, IIT का परीक्षा दें। मौका मिलेगा तो बता देंगे हम इनको, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे। और नीतीश कुमार की जो सरकार है यह वैकेंसी चोर भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 2,63,00,000 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें से 6 से 8 में 98,80,000 बच्चे नामांकित हैं जिनको पढ़ाने के लिए 2,85,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए थी। ये सरकार मात्र 1,745 वैकेंसी दी है। ऐसे में एक बड़ा सम्मेलन किया गया है, जरा कैमरामैन मनीष आप पैन करके दिखाइए कि राज्य भर के जो नियोजित टीचर हैं वो अब यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि अब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी CM को अल्टीमेटम दे रहे हैं और जो रणनीति बनाए उसके तहत 12 मई से ही आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, News 18। सुन लिए दोस्तों वीडियो, देख भी लिए, देख लीजिए जो विधायक के साथ 12 विधायक देख लीजिए जो टीचर के साथ दे रही है, 12 विधायक दे रही है। तो सरकार तो समझ रहे हैं जो रोष में आएगी आएगी और हर हाल में जो सरकार को शर्त मानना पड़ेगा, क्योंकि 12 जो विपक्ष के नेता के जो है, जो भी विपक्ष के हैं नेता, 12 विधायक ने सभी टीचर के साथ दे रहे हैं और 12-13-14 मई को
जो आवाज सभी विधायक जो आवाज सीएम नीतीश कुमार की आवाज पर घेराव करेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आती है, तो हम यही करेंगे। यह वीडियो बनाने की यही रीजन है जो सभी लाइब्रेरियन जो भी स्टूडेंट है वो भी यही सब टीचर के साथ दे ताकि आपका भी वैकेंसी साथ साथ निकल के आ जाए। अभी देख लीजिए शिक्षक सब जो कि शिक्षक बन चुके हैं, वेतन भी सरकार से ले रहे हैं, फिर भी देख लीजिए अपने हक की लड़ाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और हम लोग घर में बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं बिहार इलेवन की वैकेंसी आ जाए आ जाए। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग भी यही टीचर सबको साथ दीजिए और 12, 13, 14 जो है संदीप जो विधायक हैं माकपा माले के जो विधायक हैं संदीप तो देख लीजिए संदीप भी साथ है और संदीप के साथ साथ 11 विधायक जो है शिक्षक के साथ है और सभी लाइब्रेरियन स्टूडेंट को हम भी कह रहे हैं जो इसी के साथ मिल जाइए ताकि आपका भी इसी के साथ लाइब्रेरियन की बहाली आ जाए। आई होप कि इस वीडियो में जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर सेट कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।